तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, टेक्निकल एस के चैनल में आपका स्वागत है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारी कलर थीम्स के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा कि आप इस कलर थीम को कैसे यूज़ कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा आप सभी को पसंद आएगी और बहुत ही प्यारी ये थीम से, बिल्कुल नई थीम से आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। तो यार वीडियो को स्किप मत करिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दो, जिससे कि आप मेरा आने वाले वीडियो को मिस ना कर पाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस देखिए, सबसे पहले मैं आपको थीम्स का रिव्यू करा देता हूँ यार, थीम्स अप्लाई करके दिखा देता हूँ। तो यार अप्लाई करने के बाद जो है कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, देख सकते हैं कुछ ऐसा इंटरफेस आपको देखने को मिल जाएगा थीम्स का। थोड़ा सा मैं ब्राइटनेस बढ़ा के आप लोगों को दिखाता हूँ। तो यार देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। वीडियो में नाइट में शूट कर रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा बहुत कलर का फर्क आपको देखने को मिल जाए, उसके लिए सॉरी, बट आपको देख पूरे तरीके से अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँगा। तो यार आप देख सकते हैं कि बैटरी वगैरह, होम स्क्रीन का लुक जो है कुछ इस तरीके का मिल जाएगा। देख सकते हैं कितना प्यारा लुक यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। इसके बाद अगर बात करें इसके बैटरी की, तो यार बैटरी कुछ इस तरीके की आ जाएगी और आइकन वगैरह हैं वो यार कुछ इस तरीके के मिल जाएंगे। देख सकते हैं एकदम नए आइकन आपको देखने को मिल जाएंगे यहाँ पे। देख सकते हैं बिल्कुल नए आइकन आपको देखने को मिल जाते हैं यहाँ पे थोड़ा सा, ठीक है गाइज। और उसके बाद गाइज अगर बात करें इसके हम नोटिफिकेशंस पैनल और शॉर्टकट सेंटर्स की, तो फिलहाल मैं नोटिफिकेशंस पैनल आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यार नोटिफिकेशंस पैनल में कुछ इस तरीके का लुक मिल जाएगा आपको। देख सकते हैं कितना प्यारा लुक यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में। इसके बाद अगर बात करें हम इसके शॉर्टकट सेंटर्स की, तो यार वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो शॉर्टकट सेंटर से देख सकते हैं कुछ इस तरीके का मिल जाएगा, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है गाइज। इसके बाद गाइज अगर बात करें हम इसके और चीज़ों के बारे में, जैसे कि इसके सेटिंग्स और डायलर, तो ये सेटिंग जो है कुछ इस तरीके की मिल जाएगी आपको। देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा नई सेटिंग्स है, बहुत ही प्यारी लग रही है। इसके बाद डायलर की बात करें तो डायलर कुछ इस तरीके का मिल जाएगा यहाँ पर। देख सकते हैं डायलर काफ़ी ज़्यादा अच्छा और बहुत ही प्यारा देखने में लग रहा है। अब बात करते हैं गाइज इसकी और चीज़ों के बारे में, लॉक स्क्रीन के। तो ये लॉक स्क्रीन जो है कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी, मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको लॉक स्क्रीन गाइज कुछ इस तरीके की आपको देखने को मिल जाएगी, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। देख सकते हैं कि कितनी प्यारी यहाँ पर लॉक स्क्रीन आपको देखने को मिल रही है। कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपको देखने को यहाँ पर मिल जाएगा, जो कि काफ़ी अच्छा देखने में लगता है और बहुत ही प्यारा लुक आपके फ़ोन को यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं गाइज इस थीम्स को अप्लाई करने की, कैसे आप अपने फ़ोन में यूज़ कर सकते हो। तो यार उसके लिए आपको करना क्या है कि डिस्क्रिप्शन में थीम का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आपको थीम्स को डाउनलोड करना है और अप्लाई कर लेना है, अगर आपको अप्लाई करना आता है। गाइज अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक मिल जाएगा और वहाँ से वीडियो देख के आपको अप्लाई कर लेना है, उसमें मैंने अप्लाई करना पड़ता है। इसके साथ अगर आपको डाउनलोड करने में थीम्स को प्रॉब्लम होती है, तो डाउनलोड करने का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उसे देख के आप डाउनलोड कर सकते हो और अप्लाई कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगा। वीडियो पसंद आई हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।